आपने इंडियन रेलवेज की कई सारी कहानियां सुनी होगी, बट यह कहानी थोड़ी अलग है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि आज से करीब 16 साल पहले की है। मैं आरव इंडियन रेलवेज की मालगाड़ी में एक सिक्योरिटी का काम करता था। 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद मुझे और 6 घंटे की ड्यूटी मिली थी। थकान की वजह से कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो रही है। यह देखने के लिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, मैं तुरंत बाहर निकला और देखा तो पता चला कि कुछ इंजीनियरिंग फॉल्ट है। मैंने तुरंत ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वॉकी टॉकी काम ही नहीं कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मेरा कंपार्टमेंट मालगाड़ी से डिस्पैच हो गया और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालगाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी और मेरी बोगी हिलते हुए पीछे पीछे आ रही थी। आगे ट्रैक पर एक डाइवर्सन आया, मालगाड़ी तो सीधे आगे चली गई, मगर मेरी बोगी वहीं डाइवर्ट हो गई और एक ऐसे रूट पर चली गई जिसपे कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं थी और दूर दूर तक सन्नाटा था। यह जगह रात के वक्त बहुत ही डरावनी और सुनसान लग रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं पुलिस को फोन करता हूं। मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि मैं रेलवे पुलिस फोर्स RPF को कॉल करूं और उन्हें मदद के लिए बुला लूं, मगर उस एरिया में नेटवर्क था ही नहीं। साला किस्मत ही खराब है, मैं पूरी तरह से फंस चुका था। उस पूरे एरिया में एक भी नेटवर्क टावर नहीं था और दूर दूर तक कोई घर भी नहीं दिख रहा था कि मैं किसी से मदद मांगू। असल में किसी जानवर को पकड़ने के लिए कैसे उसे ट्रैप किया जाता है, उसी तरह मैं भी ट्रैप हो चुका था। मेरे पास लास्ट ऑप्शन था कि मैं चुपचाप जाके अपने केबिन में सो जाऊं और सुबह होने का इंतजार करूं। मैं निराश होकर वापस केबिन में चला जाता हूं और सो जाता हूं। ठीक कुछ देर बाद गेट पे कोई अचानक पत्थर मारता है जिससे मेरी नींद अचानक खुल जाती है। उठकर मैंने खिड़की से देखा तो कोई नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद किसी आदमी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने तुरंत देखा तो फिर से कोई नहीं था। मैंने इधर उधर टॉर्च मारी लेकिन कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ा तो एक लड़का खड़ा था। उससे मैंने पूछा कि इधर कोई गांव है क्या। मैंने फिर से यही बात को रिपीट किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक वो मेरे ऊपर पत्थर से हमला कर देता है जिसके कारण मेरे सिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। फिर जब मेरी आँख खुलती है तो वो आदमी अभी तक वहीं खड़ा था। जैसे ही मैंने उसे फिर से बोला, पागल हो गए हो क्या, मुझे मार क्यों रहे हो, उसने मुझे फिर से पत्थर मारने की कोशिश की। ये देखकर मैं तुरंत केबिन में घुस गया और मेरा सिर भी बहुत दर्द दे रहा था और मुझे डर लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है और खिड़की तरफ से पत्थर को फिर से मेरी ओर फेंकता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। अब आगे की कहानी अगले पार्ट में देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करनी है तो नीचे दिए गए जीमेल में टेक्स्ट करें।